हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको गवार की फली बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने प्याज, टमाटर और गोश्त और गवार की फली तैयार कर लिया है। ये सब काट कर मैंने पहले से ही इंटीग्रेट्स तैयार कर लिया है। बस आपको इसमें हमने प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर लेकर हमने उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब हम पहले कुकर को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, फिर इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इस जितना आपके हिसाब से लिमिटेड आप लोग खाते हैं उस हिसाब से आप ऑयल ऐड कर लिए लीजिए, क्योंकि तकरीबन कई लोग डाइट पर रहते हैं, कोई डाइट पर नहीं रहता, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ही ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा ऑनियन ऐड कर लिया है। ये गवार की फली हमने गोश्त डालकर बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रहती है। सब तकरीबन लोग को गवार बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गवार की रेसिपी ऐड करें। बहुत ही अच्छी होती है ये रेसिपी। बस आप इसे थोड़ा सा तेल ऑयल हॉट होने के बाद हम इसे प्याज में डाल के अच्छे से इसे थोड़ा सा भुने, अच्छे से फ्राई करें ब्राउन हुए तक। देखिए ये ब्राउन होने लगी है। अब धीरे धीरे इसे जलाइए मत, हिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि आप इसे छोड़ देंगे तो आप वो प्याज आपकी जल जाएगी ऑनियन। इस वजह से आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहिए। हम सिर्फ एक मीडियम ऑनियन प्याज लिए हैं। ये सिर्फ दो या तीन मेंबर के हिसाब से ही बनी है गवार की फली। इसमें हमने ऐड कर लिया है 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए ये हम 1.5 स्पून हमने जिंजर गार्लिक स्पून ऐड कर लिया है, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें हमने 1 स्मॉल टीस्पून लिया है, हमने 1/2 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा इसमें आपके जायका जो सॉल्ट खाते हैं हम। इसमें फिर हम गोश्त जो हमने थोड़ा सा निकाला है वो गोश्त उसमें डाल दिया है। मैंने इसे बिना मतलब इसे बोन मैंने इसमें बोनलेस डालकर बना रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आप गोश्त भी डाल सकते हैं इसमें। मैं मटन डाल रही हूँ इसमें। इसमें थोड़ा सा हम डाल के इसे अच्छे से भून लें, और इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप या 1.5 कप भी हम पानी इसमें डाल सकते हैं, आपके हिसाब से जितना लगे। मुझे 1 कप लगा तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। डालने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर का लीड लगा दिया है। बहुत देखिए पहले से हम इसे अच्छे से पहले पानी थोड़ा सा लाइट गर्म हुए जैसे थोड़ा सा भुने। भुनने के बाद हम इसका लीड लगा कर देखिए हमने लगा दिया है प्रेशर कुकर में, और देखिए हमने 4 से 5 सीटी दिया। देने के बाद इसे इस तरह सा होगा, उसे बहुत अच्छे से भुने जैसे पूरा इसमें का ऑनियन पूरा मैश हो जाए अच्छी तरह से। और इसे अच्छे से आप थोड़ी थोड़ी देर को उसे अच्छे से भूनते रहें ताकि ये अच्छे से मैश हो गया है। देखिए हमने अच्छे से भुना है इसे, कैसा हमने इसे अच्छे से भुना है। अब हम इसमें हम डालेंगे टमाटो। मैंने दो मीडियम साइज टमाटो लिए थे, मैंने इसमें मिक्स कर दिया है टमाटो। इसमें हम इसे अच्छे से भून लें, और फिर हमने 1/2 कप वाटर डाल दिया है। वाटर डालने के बाद फिर से मैंने इसे प्रेशर कुकर का लीड लगा कर इसे फिर से हमने 2-3 सीटी देने के बाद फिर मैंने अलग से एक पोटैटो और 2 हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली और ये सूखी मेथी ड्राई है, मैंने इसे भीगने डाल दिया है। और यह देखिए हो गया है अच्छे से प्याज भी और टमाटर भी। हम इसे अच्छे से मैश करें जैसे कि इसमें दिखे नहीं, साबित रहने से इसमें टेस्ट नहीं आएगा, लुक अच्छा नहीं दिखेगा और साबित ऐसे आ जाएगा। इसलिए आप इसे अच्छे सा थोड़ा सा गैस ऑन रख के मीडियम गैस ऑन रख कर इसे अच्छे से भुने, थोड़ा पानी से लाइट सूखने दे। इसके बाद हम डालेंगे गवार की फली।
हम गवार की फली डालने के बाद भी इसे अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इसका मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए जो हमने दिया है इसको, और थोड़ा अच्छे से पके ताकि इसको अच्छे से लगे और गवार फली में अच्छे से टेस्ट आए। फिर हमने इसे प्रेशर कुकर का लीड लगा दिया है, हमने तकरीबन 4 से 5 सीटी दिया है इसमें, वो हमने 1 कप पानी डाला है इसमें, फिर 4 से 5 सीटी डाला है। फिर भुनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा आलू आलू मेथी और ये भी डाल दी, हरी मिर्च हमने डाल दिया है। डालने के बाद हमने इसे अच्छे से भुना और देखे कैसे हुआ है, आखिरी में लीड हमने गला लिया है उसे। अच्छे से भुनने के बाद इस तरह से हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी तेल छूटेगा, उसके बाद आप इसे निकाल लें एक बर्तन में और देखें ये कितनी गरम गरम और लजीज गवार की फली बनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे इस वीडियो को।